इंस्टाग्राम पर रील्स पोस्ट अपलोड करने के बाद उसका जो कैप्शन है उसको किस तरीके से आप बदल सकते हो, इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम हमारी आईडी पर आ चुके हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम ये बता देते हैं कि जो कैप्शन होता है वो क्या होता है। तो दोस्तों आपने कोई सी भी रील्स वगैरह अपलोड की हो तो आपको दोस्तों यहाँ पर जो नीचे आप रील्स पर जो क्लिक करते हो तो यहाँ पर जो कैप्शन यहाँ पर आप लिखते हो ये, इसको आप डालने के बाद कैसे चेंज कर सकते हो, इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों किस तरीके से आप बदल सकते हो, तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका जो इंस्टाग्राम है उस पर आपको एक रील्स को अपलोड करना है। तो दोस्तों यहां पर रील्स को अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के लिए आपको दोस्तों किसी भी रील्स को आप अपलोड करते हो तो यहां पर आप दोस्तों रील्स को, मैं फॉर एग्जांपल इसको ले लेता हूं। अब इसको दोस्तों खोलने के बाद आपको यहां पर राइट साइड में यहां पर एक थ्री डॉट देखने को मिल रहा होगा। अब दोस्तों यहाँ पर थ्री डॉट सबको देखने को मिल रहा है तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैनेज पर क्लिक करना है। यहाँ पर मैनेज के ऊपर क्लिक करना है। आप जब इस पर क्लिक करोगे तो मैनेज के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने फिर से बहुत ज़्यादा ऑप्शंस खुलकर आ जाएंगे। यहाँ पर एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब एडिट के ऑप्शन पर जब क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। अब दोस्तों ऑप्शंस खुलकर आ जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ से आप अपना कैप्शन चेंज करने के लिए आप अपने कैप्शन के ऊपर क्लिक करके आप जो भी लिखना चाहो आप लिख दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर आप जो भी कैप्शन हैशटैग वगैरह फिर से आपको लगता है कि चेंज करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। लोकेशन वगैरह चेंज करना चाहो तो लोकेशन वगैरह भी चेंज कर सकते हो। टैग पीपल करना चाहते हो तो टैग भी कर सकते हो। आप इस तरीके से दोस्तों कैप्शन को भी चेंज कर सकते हो, कवर को भी चेंज कर सकते हो, लोकेशन को भी ऐड कर सकते हो। किसी दोस्तों दोस्त फ्रेंड को टैग करना हो आप टैग भी इस तरीके से कर सकते हो। और इस तरीके से दोस्तों आप करने के बाद राइट बटन पर क्लिक करोगे तो ये दोस्तों हो जाएगा। अब दोस्तों इस तरीके से आप कैप्शन को तो चेंज कर ही लोगे, लेकिन दोस्तों आप यदि पोस्ट को चेंज करना हो कैप्शन को तो आप दोस्तों पोस्ट पर आपकी चले जाइए। पोस्ट पर जाने के बाद दोस्तों आपके अपनी पोस्ट को खोल लेना है। यहाँ पर मैं एक फॉर एग्जांपल मेरी पोस्ट का ले लेता हूँ। देन दोस्तों यहाँ पर आपको थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है। अब थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है तो यहाँ पर दोस्तों आपको सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से शो होगा तो आप यहाँ से दोस्तों यहाँ पर चेंज कर सकते हो इस तरीके से। अब दोस्तों इसको भी चेंज करना है तो आप इस तरीके से एडिट बटन पे क्लिक कीजिए। एडिट बटन के यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर कैप्शन देखने को मिल जाएगा तो यहाँ से आप जो भी लिखना चाहो आप लिख सकते हो। और दोस्तों लिखने के बाद आपको राइट बटन पर क्लिक कर दीजिए, इसका भी कैप्शन चेंज हो जाएगा। इस तरीके से आप कैप्शन को चेंज कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। और दोस्तों चैनल पर यदि आप नए आए हो और इंस्टाग्राम से रिलेटेड अपडेट्स चाहते हो तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका भाई इंस्टाग्राम से रिलेटेड अपडेट्स देते रहता है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।